हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें उत्तर प्रदेश में यूपी टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखों को लेकर भी। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टीईटी के विज्ञापन को लेकर, साथ ही सुपर टीईटी में बीएड को लेकर भी बात की जाएगी। और थोड़ी सी बात हम लास्ट में करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है और उसको कैबिनेट के माध्यम से मंजूरी भी दे दी गई है। साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर नए सदस्य और अध्यक्ष के संबंधित जो मामला है वो शासन स्तर पर भेजा जा चुका है और उसके बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और अध्यक्ष के लिए विज्ञापन जारी करके उनकी जो प्रक्रिया है वो भी आप सभी के सामने है। लेकिन अगर बात कर ली जाए अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में, साथ ही साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, क्योंकि कई काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि अब टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या जानकारी है, कब तक परीक्षा देखने के लिए मिल सकती है। इसी बीच आप सभी ने देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं उनकी भी एग्ज़ाम की डेट घोषित कर दी गई है और बोर्ड एग्ज़ाम 22 फरवरी से लेकर 9 मार्च 2023 को आयोजित किए जाएंगे। अब ये आप सभी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है इनको भी आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम को लेकर जब समय आता है तभी कहीं ना कहीं किसी न किसी शिक्षक भर्ती परीक्षा आप सभी के सामने होती है, जैसे कि इस बार यूपी टीजीटी पीजीटी। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग में लगने वाला जो संभावित समय है वो लगभग 30 से 35 दिन लगेंगे नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होने में। उसके बाद अगर वो जनवरी से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में पहुंच जाते हैं तो भर्तियों को लेकर काम शुरू करेंगे लगभग फरवरी में, है ना, और उसके बाद ही आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो सकती है। अब टीजीटी पीजीटी परीक्षा होने के लिए जो भी तारीखें आप सभी के सामने वो संभावित तौर पर ही हो सकती हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेट के अलावा सही जानकारी कोई भी नहीं बता सकता। खुद शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने वाले अध्यक्ष और सदस्य भी इसकी जानकारी आपको नहीं दे सकते कि किस तारीख को आपकी परीक्षा होगी। लेकिन ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपने लिए सीरियस हैं और जानना चाहते हैं कि कब तक संभावित तौर पर आपकी परीक्षा होगी। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर वर्तमान में जो कंडीशन निकल कर सामने आ रही है वो या तो फरवरी में हो सकती है स्टार्टिंग में 20 फरवरी के आसपास, क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अगर जनवरी में बनकर तैयार हो जाता है तो इसकी परीक्षा करवा लेगा, उस समय बोर्ड एग्जाम भी बीच में नहीं होंगे। अगर वहाँ पे ये परीक्षा नहीं होती है तो ये मार्च के सेकंड वीक के बाद में करवाई जा सकती है, क्योंकि जो बोर्ड के एग्ज़ाम है वो फरवरी के थर्ड वीक से शुरू हो रहे हैं और सेकेंड मार्च के जो वीक होगा, सेकेंड वीक ऑफ मार्च होगा, उसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जैसे भी कार्य बनता है उसके आधार पर परीक्षा करवाई जा सकती है, यानी कि अगर वो चाहे तो फरवरी के स्टार्टिंग में परीक्षा करवा लेंगे या फिर मार्च के सेकेंड वीक ऑफ मार्च के बाद कभी भी करवा लेंगे। ये डिपेंड करेगा नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बनने के ऊपर, क्योंकि अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से पाइपलाइन में है। जब तक अध्यक्ष और सदस्य आयोग में नहीं पहुँच जाते तब तक भर्तियों को लेकर कोई भी तारीख बता पाना पूरे तरीके से गलत होगा। कई अधिकारी, कई मैंने जो कर्मचारी हैं उनसे जानने का प्रयास किया जो वर्तमान में पुराने आयोगों में हैं और नए आयोग में उनकी नियुक्ति की जाएगी, उनका भी कहना ये है कि अगर जनवरी में आयोग बन जाता है तो फरवरी में भर्तियों को लेकर काम शुरू हो सकता है। तो संभावित तौर पर हम कह सकते हैं कि या तो 20 फरवरी के आसपास आपकी परीक्षा करवाई जा सकती है अगर आयोग बन गया तो, और अगर नहीं बनता और समय लग जाता है तो ये परीक्षाएं आप सभी की फिर मार्च के सेकंड वीक के बाद ही देखने के लिए मिलेंगी। याद है कि अप्रैल और मई में चुनाव भी होने वाले हैं, उस समय पे किसी परीक्षा का आयोजन कर पाना शायद संभव नहीं होगा। तो ये तो बात हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को लेकर, ये एक संभावित तारीख है, उसके अनुसार आप लोग तैयारी करते रहें। बाकी अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी इसको लेकर भी पूछ रहे थे कि सर उत्तर प्रदेश की प्राइमरी भर्ती कब आएगी। बिहार में एक के बाद एक बंपर भर्ती आ रही है लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ नहीं आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती सबसे ज़्यादा जो
चीजों पर टिकी हुई है वो है पहला नया शिक्षा सेवा चयन आयोग और दूसरा है उत्तर प्रदेश की सरकार का दिमाग, क्योंकि अगर वो चाहेंगे तभी इसका विज्ञापन जारी करेंगे। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा जो माइलस्टोन है वो ये है कि नया आयोग बने। एक बार अगर आयोग बन जाता है तो निश्चित तौर पर मार्च के आसपास आप सभी के सामने वो यहाँ पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी ये कह पाना सही नहीं होगा कि इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो जनवरी और फरवरी तक जाता हुआ दिख रहा है। उसके बाद में अगर वो आयोग बनता भी है तो सबसे पहले पुरानी भर्तियों पर काम शुरू करेगा, तब जाकर वो कहीं जाकर नई भर्तियों पर काम होगा। और बीच में आप जानते हैं कि अगर TET परीक्षा आ जाती है जो कि संभावित तौर पर नई शिक्षा सेवा आयोग की पहली प्राथमिकता होगी। अगर आपको याद होगा कि CM योगी के माध्यम से जनवरी 2023 की स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से TET परीक्षा को करवाया जाए, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये बात तय है कि अगर TET परीक्षा आती है तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन होगा 2-2.5 महीने और लेट हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस साल तो नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद थी वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अगले साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ सकती है, लेकिन अभी संभावित मंथ बता पाना शायद संभव नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि अगले साल तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ ही जाएगी, आप लोग अपनी तैयारी उसके अनुसार करते रहें। एक सवाल सबसे बड़ा देखने के लिए मिलता है कि क्या नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर BED करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा या नहीं। तो वर्तमान की कंडीशनों पर मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर प्रभावी है। ना तो NCERT कुछ कर रही है ना ही केंद्र सरकार, और इसके आधार पर अगर यही कंडीशन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आने तक बनी रहती है अगले साल, तो फिर BED करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश की सुपर TET भर्ती से बाहर बैठना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं BED करने वाले अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक तो है लेकिन ये एक सच भी है। फिलहाल ये तो बात हो जाती है BED के बारे में। अगर केंद्र सरकार या फिर NCERT या सुप्रीम कोर्ट से कोई अपडेट आती है उसके आधार पर BED को सम्मिलित किया जाता है तो इसका भी परिणाम आप जानते हैं कि उनको सम्मिलित कर लिया जाएगा, लेकिन ये एक संभावना है। बात की जाए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर, काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होगी कि नहीं, या इसी तरीके से जैसे 2022 निकला, 23 निकला और 24 भी निकल जाएगा। तो मुझे जो जानकारी मिली अधिकारियों के माध्यम से, उनका कहना ये है कि जब तक कोर्ट के माध्यम से जूनियर एडेड को हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक इसका प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। यानी कि मान करके चलिए जिस प्रकार आप सभी की 23 निकली है उसी प्रकार 24 के आगे वाले 2-2.5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, और अगर बीच में चुनाव आ गए तो भर्ती और लंबे समय लटक सकती है, जो कि एक सच भी है। फिलहाल मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो सही और सटीक होगी, किसी प्रकार की संभावित जानकारी एडेड जूनियर को लेकर नहीं, क्योंकि अधिकारी भी इस मामले पर ऐसा ही कुछ बोल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।